एक्चुअली बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया 2-3 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ पा रही है। एक्चुअली यार मेरा तबियत थोड़ा खराब हो गया था, अचानक से फीवर आ गया था। यहाँ पे 5-6 महीने से लगातार यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ बिना किसी गैपिंग का, तो थोड़ा सा हरासमेंट भी हो गया था जिसके कारण फीवर वगैरह हो गया था, मौसम वगैरह भी चेंज हुआ था जिसके कारण थोड़ा सा फीवर वगैरह हो गया था, इसलिए 2-3 दिन का गैप यहाँ पे हो गया। अभी भी थोड़ा थोड़ा है, देखो ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, कितना रेस्ट लेगा आदमी, आज ने तो काम स्टार्ट करना ही है, तो इसलिए अभी स्टार्ट कर दिया। तो रियलमी ने कम समय में इतने ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हर एक कस्टमर के लिए कि हम आपको क्या ही बताएं, और कंफ्यूजन भी उतना ही सारे लोगों में क्योंकि इतना ज्यादा स्मार्टफोन हो गया, क्योंकि वैरायटीज इतना ज्यादा होगा लोग उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा, थोड़ा नजदीक से कंपेरिजन कीजिएगा, थोड़ा बुद्धि लगेगा ना, तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता स्मार्टफोन में, हल्का फुल्का ऊपर नीचे मसाला मिर्च लगा के आपके सामने परोस दिया जाता है। उसी टाइप से रियलमी 9 सीरीज के बाद जो है रियलमी का 10 सीरीज भी आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या प्राइस में आएगा, कब आएगा और क्या का कुछ होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और क्या प्राइस पॉइंट में लॉन्च होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि आपको प्राइसिंग और लॉन्च डेट बताने के लिए लास्ट तक वीडियो में लेके जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहीं पे स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि जो रियलमी 10 है ये ग्लोबली जो लॉन्च होगा वो 9 नवंबर को लॉन्च होने वाला, डेट कंफर्म्ड हो चुका है, और साथ ही साथ जो उसका प्राइसिंग होने वाला है वो लगभग 16,000 से 17,000 के बीच में होगा, यानी कि ग्लोबली जब लॉन्च होगा। जब इंडिया में लॉन्च होगा तो ये लगभग नवंबर के एंड या दिसंबर के फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया में, और इंडिया में जो प्राइसिंग होने वाला स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 15,000 से 16,000 होना चाहिए, उसके अगर ऊपर जाता है तो मजा टाइप नहीं आने वाला। अभी जो मैं स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा ना, आपको भी लगेगा इसका जो प्राइसिंग है 15,000 से 16,000 के ही बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले मिलेगा वो 6.4 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलेगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगा, सुपर एमोलेड वाला यहाँ पे डिस्प्ले मिलेगा, और साइड पंच होल वाला जो डिस्प्ले होता है ना वो डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले होता तो ज्यादा मजा आता, ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है ना। आपको कौन सा पसंद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। रैम और स्टोरेज के बारे में अगर हम बात करें तो 3 स्टोरेज टाइप में ये आपको देखने को मिल जाएगा, 4GB 128GB, 8GB 128GB और 8GB 256GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा रियलमी 10 में। साथ ही साथ स्टोरेज टाइप की अगर बात करें तो वही UFS 2.2 का सपोर्ट मिल जाएगा, LPDDR4X वाला रैम आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ ड्यूल सिम भी लगा सकते हैं और SD कार्ड का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा इस वाले फोन में। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जिससे आप भी गेस कर पाएंगे कि इसका प्राइसिंग कितना हो सकता है। बोले तो इसके प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पे जो प्रोसेसर दिया गया वो मीडियाटेक के हीलियो G99 प्रोसेसर दिया गया है, और कंपनी ऐसा कहती है कि इसका जो स्कोरिंग निकल के आएगा 4 लाख निकल के आएगा। देखो प्रोसेसर तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसे जब टेस्ट किया जाएगा तब चीजें अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन ये जो प्रोसेसर है ये इजिली जो है 16,000 के अंदर ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। भाई कैमरा के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पे ड्यूल कैमरा वाला सेटअप देखने को मिल जाता है, 50 MP का मेन सेंसर दिया गया और 2 MP एक्स्ट्रा और 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सॉफ्टवेयर और यूजर इंटरफेस के बारे में अगर बात करें तो एंड्रॉइड 12 के साथ ही आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, और रियलमी का 3.0 वाला देखने को मिल जाएगा। जितने भी तरह के सेंसर होते हैं वो सारे सेंसर आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड वाला इस बार जो है फिंगरप्रिंट यहाँ पे सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा, और फेस लॉक वाला ना डिमकाना जितने सारे चीजें हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक चीज अच्छी चीज है, 3.5 mAh का जैक भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें बैटरी के बारे में तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और इन द बॉक्स आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग जो है बॉक्स दिया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप महंगा फोन खरीदिएगा ना तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सस्ता फोन खरीदिएगा तो आपको चार्जर जरूर इन द बॉक्स मिल जाएगा। अब देखिए जितने भी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई है ग्लोबली जो है ऑलरेडी अनाउंस हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 9 नवंबर को जो है ग्लोबली ये लॉन्च हो जाएगा, 15,000 से 16,000 रुपए इसका प्राइस रखा जाएगा, लेकिन इंडिया में ये लगभग वही 15,000 या 16,000 के बीच में आएगा ऐसा बताया जा रहा है। इसका जो प्रोसेसर देगा वो मीडियाटेक का हीलियो G99 प्रोसेसर है, जो कि आपको 16,000 या 17,000 के अंदर ही मिलता है, और यहाँ पे जो कैमरा सेटअप भी देगा वो 50+2 वाला दिया गया, यानी जो इसका प्राइसिंग है वो लगभग जो है 1,500 या 16,000 ही होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कि इसका प्राइसिंग कितना होना चाहिए इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जरूर नीचे कमेंट बताइए। भैया हर किसी कमेंट ऐसे चश्मा लगा के देखते हैं और पढ़ते हैं, रिप्लाई भी करते हैं। चलो मैं मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और आप अपना ख्याल जरूर रखिए।